अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में देर रात हॉस्टल में रहने वाले अफगानी और अन्य छात्रों पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी आई है कि गमछा पहने और नारे लगाती भीड़ हॉस्टल में घुसी और छात्रों को पीटने लगी। हॉस्टल में पथराव और तोड़फोड़ भी किया गया। इसमें पिटाई का मामला यूनिवर्सिटी हॉस्टल के ए ब्लॉक में 16 मार्च की रात का है। अफगानी छात्रों ने आरोप लगाया कि रात में वे ए ब्लॉक में तरावी पढ़ रहे थे। इस दौरान बी ब्लॉक से आए 3 छात्रों ने आकर इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि उनके जाने के बाद करीब 200 लोगों की भीड़ पहुंच गई और हमला शुरू कर दिया। इनमें से कुछ ने हॉस्टल के कमरों में पथराव किया, कुछ हॉस्टल में घुस आए और लैपटॉप, एसी, अलमारी, टेबल, दरवाजे, म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिया। बाहर खड़े 2-व्हीलर्स भी तोड़ फोड़ किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांगवी ने घटना के बाद पुलिस और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले उन्होंने डीजी और सीपी को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने मामले पर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटल पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है। बाहर से जो लोग आए हैं, इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं, और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करें।